नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे भीष्म साहनी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है समाधि भाई राम सिंह। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें। आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना मेरे शहर में घटी। ये घटना और कहीं घट भी नहीं सकती थी। शहरों में शहर है तो मेरा शहर, और लोगों में लोग हैं तो मेरे शहर के लोग, जो अपने तुल्य किसी को समझते ही नहीं। हमारे शहर के बाहर एक गंदा नाला बहता है, पतला बूढ़ा मंदगति, जिसमें इतना पानी भी नहीं कि उसमें भैंसे बैठकर अपना बदन ठंडा कर सके, मगर हम उसे दरिया कहते हैं। एक बाग है जिसमें शीशम और सफेदे के पेड़ों के अलावा तीसरी तरह का पेड़ नहीं, और कौवों और चीलों के अलावा कोई परिंदा नजर नहीं आता। नीचे झाड़ झंखाड़ है और हर वक्त वहां कभी हरियाली देखने को नहीं मिलती, पर शहर वाले उसे चमन कहते हैं और उसे किसी भी पुष्प वाटिका से अधिक सुंदर मानते हैं। इस शहर की कोई चीज अपनी नहीं। जो फल आते हैं तो काबुल से, और कपड़ा आता है तो विलायत से। इसके अपने फल तो खट्टे अलूचे लसूड़े और गरंडे होते हैं, जिन्हें अब बकरियों ने भी खाना छोड़ दिया है। मगर शहर वालों की एक चीज ही अपनी है, उनकी मूछें, जिनके कोने सदा ऊपर की ओर उठे रहते हैं, उनमें कभी खम नहीं आया। इसलिए ये घटना इसी शहर में ही घट सकती थी। चूंकि शहर बहुत पुराना नहीं, यहां कोई स्मारक या मंदिर नहीं, मगर किसी शहर वाले से कहकर तो देखो, वो आपको इस नजर से देखेगा जैसे वो किसी गुफावासी को देख रहा हो, और फिर पूछेगा, तुमने भाई राम सिंह की समाधि देखी है? और इसके बाद समाधि की तारीफ में और भाई राम सिंह की तारीफ में एक कसीदा कह डालेगा। अब भाई राम सिंह कोई गुरु नहीं हुए, उनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं मिलता। शहर के बाहर इस बेचारे को कोई जानता तक नहीं, मगर यहां उसे और उसकी समाधि को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। और यदि देश भर का बच्चा बच्चा नहीं जानता तो इसमें देश वालों का दोष है, शहर वालों का नहीं। जो घटना मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वो इसी समाधि से संबंध रखती है। यूं हमारा शहर छोटा सा है, जिसमें एक बाजार लंबा सा कपड़े वालों का, एक बाजार नानवाइयों का, एक सब्जी मंडी, एक अनाज मंडी, अनगिनत गलियां और दर्जन के लगभग मोहल्ले। शहर के बीच में एक ऊंचा सा टीला है जिस पर एक मंदिर है और जिसके चारों तरफ लंबी लंबी सड़कें उतरती हैं, जैसे शिवजी की जटा से एक की बजाय चार नदियां बह निकलें। लोग मस्त हैं, जो काम करते हैं वो भी, और जो काम नहीं करते वो भी। 24 घंटों में एक चक्कर शहर का जरूर काटते हैं, इसलिए गलियों और सड़कों पर रौनक रहती है। उसी रौनक में आज से कोई 20 बरस पहले एक रोज इसी टीले पर मंदिर की बगल में से निकलकर भाई राम सिंह चौराहे पर आन खड़ा हुआ था। गोरा रंग, लंबी चमचमाती दाढ़ी, कुछ कुछ काली, कुछ कुछ सफेद और स्वस्थ नाटी देह। उस वक्त उसकी अवस्था 40-45 के लगभग होगी। बगल में सफेद गागर उठाए, तन पर सफेद चद्दर और सफेद अंगोछा पहने वो टीले पर आकर खड़ा हो गया, मगर किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान न दिया। चौराहे के एक तरफ कुछ लड़के खेल रहे थे। भाई राम सिंह धीरे धीरे उनकी ओर चला गया और एक लड़के को अपनी ओर बुलाकर कहा, लो बेटा ये पियो, और गागर में से कटोरी भरकर लड़के की ओर बढ़ाई। लड़के सब इकट्ठे हो गए और बड़े कौतूहल से उसकी ओर देखने लगे। फिर एक लड़के ने कटोरी भाई राम सिंह के हाथ से ले ली और बार बार इधर उधर देखने के बाद मुंह को लगाई, और लगाते ही दूसरे ही क्षण उसे थूक दिया और कटोरी फेंक दी। ये चिरायता है बेटा, इससे फोड़े फुंसी नहीं होते, लो थोड़ा थोड़ा सब पियो। मगर किसी ने हाथ ना बढ़ाया। जिसने चखा था वो अब भी थू थू कर रहा था, और बाकी लड़के खड़े उस पर हंस रहे थे। आखिर भाई राम सिंह उनसे हटकर एक सड़क से नीचे उतरने लगा। लड़के फिर कौतूहलवश थोड़ी दूर तक उसके पीछे पीछे गए, फिर लौट आए और अपने खेल में जुट गए। इसके बाद भाई राम सिंह सड़क उतरने लगा और राह जाते बच्चे बड़े सबको चिरायता पीने का निमंत्रण देने लगा, और फिर धीरे धीरे शहर की गलियों में खो गया।
इस तरह भाई राम सिंह का शहर में उदय हुआ था। कुछ ही दिनों में भाई राम सिंह को शहर के सब लोग जान गए। जहां जाता स्त्रियां अपने खेलते बच्चों को पकड़ पकड़ कर उसके सामने ले जाती और जबरन चिरायता पिलवाती, क्योंकि चिरायता सचमुच फोड़े फुंसियों का बेहतरीन इलाज है। जिस गली में वो पहुंचता बच्चे फौरन छिप जाते और माए उनके पीछे पीछे भागने लगती। लोग हंसते और भाई राम सिंह की खिल्ली उड़ाते। लोगों के लिए भाई राम सिंह एक तमाशा बन गया, मगर उसके उत्साह में कोई शिथिलता नहीं आई, बल्कि कुछ ही दिनों बाद उसकी गागर में छोटा सा नल लग गया ताकि चिरायता उड़ेलने में आसानी हो। फिर एक कटोरी की बजाय तीन कटोरियां आ गईं ताकि तीन आदमी एक साथ पी सकें। फिर भाई राम सिंह के कंधे से एक बिगुल भी लटकने लगा। जिस मोहल्ले में जाता पहले बिगुल बजाकर अपने आगमन की सूचना दे देता। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। कोई कहता कि साथ वाले कस्बे से आया है, वहां उसके कपड़े की दुकान थी। कोई कहता जासूस है, किसी हत्यारे की खोज में आया है। मेरे शहर वाले अनुमान भी लगाते हैं तो छाती ठोंक कर। किसी ने कहा इसके पास 40,000 रुपया नकद है, मैंने खुद देखा है। लड़के कहते कि श्मशान भूमि में रहता है और रात के वक्त भी शहर के चक्कर काटता, भूतों को चिरायता पिलाता है। तरह तरह की बातें उठी पर धीरे धीरे शांत हो गईं। भाई राम सिंह बहुत बोलता ना था। उससे जो कोई पूछता तो कहता गुरु महाराज के चरणों में रहता हूं, उन्हीं का दास हूं। जब चैत बैसाख गुजर गए तो भाई राम सिंह गागर में ठंडा पानी पिलाने लगा। जब मन की मौज आती तो किसी किसी दिन पानी की जगह संदल का शरबत पिलाने लगता। हमारे शहर का संदल का शरबत दुनिया भर में मशहूर है और जाड़े के दिनों में कभी कभी इलायचियों वाली चाय भी लोगों को मिलती। गरज की भाई राम सिंह का चक्कर ज्यों का ज्यों कायम रहा और शहर में चिरायते वाला साधु के नाम से वो मशहूर हो गया। इसी निस्वार्थ सेवा में 10 बरस बीत गए। अब जिस साधु का अपना कोई स्थान हो, अपना अड्डा हो, वो साधु से संत जल्दी बन जाता है। मगर जो सदा घूमते रहे उसकी चर्चा चाहे कितनी भी हो, वो भाई का भाई ही रहता है। भाई राम सिंह के साथ भी यही कुछ हुआ। इन 10 वर्षों में भाई जी की दाढ़ी के बाल रेशम की तरह सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। हालांकि चेहरे की रौनक ज्यों की त्यों कायम रही, क्योंकि जो भी आदमी गागर उठाए 3-4 मील का चक्कर रोज काटे उसके चेहरे पर तो लाली रहेगी ही। मगर अब भी भाई राम सिंह चिरायते वाला साधु ही रहा। अब भी गलियों में से घूमता हुआ जाता तो वही लोगों को नमस्कार करता। उसे नमस्कार करने के लिए कोई अपनी जगह से ना उठता। बात ठीक भी थी, भला चिरायता पिलाने से भी कभी कोई संत हुआ है? पर एक दिन न मालूम भाई राम सिंह को वैराग्य हुआ या भ्रम हुआ, या उसने कोई स्वप्न देखा, या सचमुच ही उसे आकाशवाणी हुई। सुबह सवेरे टीले पर आकर कहने लगा भक्तों, रात को गुरु महाराज का परवाना आया है, मैं जा रहा हूं। कल सुबह दिन चढ़ते चढ़ते मैं चोला बदल जाऊंगा। ये बात उसने टीले पर बुद्ध सिंह बजाज की दुकान के सामने कही, जहां वो दिन में पहली बार बिगुल बजाता था। आज भी उसकी बगल में गागर थी। बुद्ध सिंह बजाज ने सुना पर कोई विशेष ध्यान न दिया, मगर उसके छोटे भाई ने जो नामधारी सिख हो गया था सुन लिया, कहने लगा सुना भाई राम सिंह ने क्या कहा, वो चोला बदलने जा रहे हैं। सरदार बुद्ध सिंह ने जवाब दिया मैंने सुन लिया है, तू समझता है मैंने सुना नहीं? चोला बदलता है तो बदले, मुझे उसके मुंह में आग थोड़े ही देनी है। तेरे बेटे चिरायता पी रहे हैं, तू उसके पांव पकड़। इस पर दोनों भाई हंसकर चुप हो गए, मगर दुकान पर बैठी हुई दो स्त्रियों के कान में बात पड़ गई। पहले वो हंसी, मगर जब कपड़ा लेकर लौटती हुई सेवाराम की गली में से गुजरी और गली के मोड़ पर भाई राम सिंह को खड़े चिरायता पिलाते हुए देखा तो उनके दिल को कुछ हो गया। एक ने दुपट्टे का आंचल मुंह पर रखते हुए कहा हाय बेचारा, चोला छोड़ता है और आज भी चिरायता पिला रहा है। बस फिर क्या था, बाहर खबर फैलने में देर नहीं लगी। सेवाराम की गली से बात नए मोहल्ले में पहुंची, वहां से छाछी मोहल्ले में, फिर लुंडा बाजार, भाभड़ खाना, सैदपुरी दरवाजा, एक गली से दूसरी गली तक पहुंचते हुए उसकी रफ्तार तेज होती गई। यहां तक कि थोड़ी ही देर में यह खबर एक बवंडर की तरह शहर की गलियों और सड़कों पर घूमने लगी कि चिरायते वाला भाई राम सिंह कल सुबह 4 बजे पौ फटते ही चोला छोड़ देगा। अब भाई राम सिंह की गागर नियमानुकूल लुंडा बाजार के सिरे पर पहुंचकर खत्म हो गई और वहीं से उसने कदम फेर लिए
और शहर के बाहर जहां पेड़ों का एक झुरमुट है जिसे हम तपोवन कहते हैं, एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तपोवन शहर के बाहर कीकर और पलाश के पेड़ों का एक झुरमुट है जहां एक पुराना कुआं है जिस पर लोग सुबह दांतून करने और नहाने जाते हैं। वहां रहता कोई नहीं, केवल कभी कभी आए गए संतों की कथा होती है। दोपहर तक तो तपोवन में शांति रही, मगर ज्यों ही 2 बजे का वक्त हुआ और स्त्रियों ने चौके उठाए तो कई भक्तनियां हरिनाम जपती हुई दिल में हाय हाय करती भाई राम सिंह को खोजती वहां आ पहुंची। 4 बजते बजते स्त्रियों की भीड़ लग गई। पुरुषों ने सुना तो हंसे, मगर धीरे धीरे उनका धैर्य भी टूटने लगा। क्या मालूम ये भी कोई पहुंचा हुआ संत हो, दर्शन करने में क्या हर्ज है। कुछ तमाशे के ख्याल से बच्चे बूढ़े जवान सब वहां पहुंचने लगे। आखिर शहर तो वही था, जो जाए तो सब जाए और जो सब जाए तो घर में बैठना हराम है। जो भाई राम सिंह अभी तक भाई राम सिंह ही था तो दोपहर तक वो संत बन गया और शाम होते होते संत महाराज की उपाधि भी उसे मिल गई। कई मुरादें बिन मांगे पूरी हो जाती हैं। जिसे 10 बरस तक किसी ने ना पूछा था, आज उसी के दर्शन को हजारों लोग एड़ियां उठा उठा कर झांक रहे थे। पेड़ के नीचे आसन बिछा दिया गया, फिर कहीं से चौकी आ गई। दर्शनों के लिए संत महाराज का ऊंचा बैठना जरूरी था ना। एक भक्त चंवर झलने लगा, फूलों के ढेर लगने लगे, कहीं से गैस का लैंप आ गया, फिर 2 लैंप आ गए। स्त्रियों की भक्ति का कोई अंत न था, पैसे आटा घी न्योछावर होने लगे। भाई राम सिंह को भी इसी के अनुसार आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न होकर बैठना पड़ा। फिर कहीं से बाजे तबले वगैरह आ गए, कीर्तन होने लगा, लोग झुक झुक कर भाई राम सिंह की दिव्य मूर्ति को प्रणाम करने लगे। बात मुसलमानों के मोहल्ले में भी जा पहुंची, संत पीर सबके साझे होते हैं, मुसलमान भी आ पहुंचे। वाह वाह क्या कमाल है। स्त्रियां घरों को लौटती, मगर घरों में उनके पांव कब टिकते थे। जो दाल रोटी बन पाती बनाकर फिर दौड़ी वहां जा पहुंचती। रात के 12 बज गए, उत्तेजना बढ़ने लगी। एक कोमल हृदय की बूढ़ी औरत ने हाथ बांध कर भाई जी से विनती की कि महाराज दया करो, चोला ना बदलो। महाराज ने सुना, मुस्कराए और चुपचाप आंखें आकाश की ओर करके फिर ध्यान मग्न हो गए। सारे शहर का दिल धक धक कर रहा था। उत्कंठित और उत्तेजित लोग इसी इंतजार में थे कि कब 4 बजे और चोला बदलने का चमत्कार देखें। रात गहरी होने लगी, लोग घड़ियां देखने लगे। उस रात शहर भर में कोई नहीं सो पाया, गलियां सुनसान पड़ गईं। उनमें कोई आवाज आती तो दौड़ते कदमों की, एक दरवाजा खटकता एक आवाज आती, 2 बज गए हैं, बस अब 2 घंटे बाकी रह गए, तू बैठ मैं अभी आता हूं, तू जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा, मैं लौट आऊं तू चली जाना। रात भर यही किस्सा होता रहा। जब मर्द के कदम दूर निकल जाते तो औरत के कदमों की आवाज आने लगती। 3 बज गए, फिर 3:30। कीर्तन में अब हजारों स्त्री पुरुष भाग ले रहे थे, ऊंचे कंठ से गुरुवाणी गाई जा रही थी। पेड़ों पर बैठे हुए पंछी भी पत्तों में से झांक झांक कर ये दिव्य चमत्कार देख रहे थे। 4:45 बजते जय जयकार हो उठी। महाराज ने आंखें खोली। स्त्रियों ने रो रो कर एक दूसरे को कहा, वक्त आन पहुंचा, देखो इन्हें अपने आप पता चल गया है। अंधेरा अभी बहुत गहरा था, मगर लोग अपनी अपनी घड़ियों में 1-1 मिनट ऊंची आवाज में गिन रहे थे। हमारे शहर में 4 बजे का वक्त पौ फटने का वक्त माना जाता है। 4:05 पर गुरु महाराज बेदी पर से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़े सिर नवाए नीचे आकर ऐन बेदी के सामने लंबे लेट गए और छाती पर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। श्रद्धा और भक्ति के बांध टूट पड़े। औरत सिसकियां ले लेकर रो उठी और महाराज पर फिर से पुष्प वर्षा होने लगी। 4:01 पर एकदम सन्नाटा छा गया, चारों तरफ चुप्पी छा गई। हरिनाम की ध्वनि बिल्कुल शांत हो गई। स्त्रियों के आंसू सूख गए और आंखें भाई राम सिंह के चेहरे पर गड़ गईं। सब लोग सांस रोके एक टक गुरु महाराज की ओर देख रहे थे। ठीक 4 बजे महाराज ने आंखें बंद कर ली और हिलना डुलना छोड़ दिया। लोग चुपचाप आंखें फाड़े देखते रह गए। 2-1 ने हाथ आकाश की ओर उठाकर रोने की आवाज में कहा, गए, हमें छोड़कर चले गए। फिर शहर के एक मुखिया ने धीरे से पास आकर कुछ फूल हटाते हुए महाराज की नब्ज देखी, सिर हिलाकर बोले, धीमी है मगर चल रही है। लोग चुप थे, उनकी आंखें अब भी साधु महाराज के चेहरे की ओर देख रही थी। 4:03 पर फिर मुखिया ने नब्ज देखी,
फिर सिर हिलाया और आहिस्ता से कहा, धीमी है मगर चल रही है। दूसरा मुखिया बोला, संसारी घड़ियों का क्या विश्वास, जब ऊपर 4 बजेंगे तो चोला अपने आप छूट जाएगा। 4:05 हो गए, नब्ज अब भी चल रही थी। मुखिया ने झुककर कान में महाराज से पूछा, महाराज कैसे हैं? जवाब धीमा सा आया, मैं इंतजार में हूं, मैंने अपनी तरफ से चोला छोड़ दिया है। लोग 1-1 सेकंड गिन रहे थे। 4:07 पर फिर मुखिया ने नब्ज पकड़ी और मिनट भर पकड़कर बैठे रहे। उन्होंने अब की तनिक ऊंची आवाज में कहा, नब्ज ज्यों की त्यों चल रही है। लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, सिर हिलने लगे, चेहरों पर संशय की रेखाएं नजर आने लगी। फिर दूसरे मुखिया ने खड़े खड़े कहा, साधु महाराज क्या देरी है? महाराज ने आंखें बंद किए हुए उत्तर दिया, ऊपर से परवाना आए तब तो। जो श्रद्धा और भक्ति पहले मौन प्रतीक्षा में परिणत हुई थी, अब अविश्वास और क्रोध में बदलने लगी। लोग समझने लगे जैसे उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका अपमान किया गया है। 4:15 जब मुखिया ने चिल्लाकर पूछा कि अब क्या देरी है, हम खड़े खड़े थक गए हैं, तो भाई राम सिंह हाथ जोड़कर उठ बैठे, भगवान मुझे रुला रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं हर क्षण इंतजार कर रहा हूं। पर इस वाक्य का असर हुआ उल्टा, औरतें भी बोलने लगी, हैं? देखो ये तमाशा, देखो पाखंडी। 2-1 सज्जन जो रात भर चमत्कार के इंतजार में जागते रहे थे और स्त्रियों से लड़कर आए थे, आगे बढ़ आए। साले जानता नहीं ये कौन शहर है। महाराज डर कर उठ बैठे और हाथ जोड़े हुए चौकी के पास जा खड़े हुए, बोले, दिन चढ़ने से पहले मैं चोला छोड़ जाऊंगा, भक्तों मुझे यही परवाना मिला है, आप घरों को जाओ। अब दिन कब चढ़ेगा, 4 तो कब के बच गए, लोगों ने चिल्लाकर कहा। भाइयों आप घर लौट जाओ, मैंने यहां किसी को नहीं बुलाया, आप लोग जाओ सूरज चढ़ने से पहले। मगर लोगों की आंखों में खून उतर आया, देखते ही देखते लोगों की बाढ़ आगे बढ़ाई। लोग मुक्के कसने लगे, शहर के 5-7 शोहदे और मुस्टंडे सामने आ गए। भाई राम सिंह डर कर चौकी के पास से हट गया और एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। बस उसका वहां से हिलना था कि धक्का मुक्की हो गई। भाई राम सिंह को घूंसे पर घूंसे पड़ने लगे, जिसे जो हाथ लगा उसी से मरम्मत करने लगा। भाई राम सिंह की भागती काया कभी एक पेड़ के पीछे और कभी दूसरे के पीछे आश्रय ढूंढने लगी, मगर जहां वो जाता भक्त वहीं जा पहुंचते। भला भक्तों से भी कभी कोई भाग सका है? पहले घूंसे और मुक्के पड़ते रहे, जब भाग खड़ा हुआ तो पत्थर और जूते पड़ने लगे। भाई राम सिंह बार बार चिल्लाया, भाइयों मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारी सेवा की है। मगर भक्तों की भावना में कोई शिथिलता नहीं आई। हाँ कुछ एक ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर पत्थरों के डर से वे भी पीछे हट गए। फिर सचमुच एक चमत्कार हुआ, जिसकी चर्चा कर आज भी हमारे शहर के लोग बड़ा गर्व करते हैं। एन सूरज चढ़ते चढ़ते भाई राम सिंह ने चोला बदल दिया और उसके प्राण पखेरु उड़कर भगवान के पास जा पहुंचे। हाँ केवल उसकी देह कीचड़ और मिट्टी और खून से लथपथ हो गई थी और उसके इर्द गिर्द जूतों और पत्थरों का ढेर लग गया था, मगर वो तो आखिर विसर्जित चोला था, उसे मिट्टी में मिलाना ही था। इस चमत्कार का आभास होने में देर नहीं लगी। जब दिन चढ़ आया और रात का भ्रम दूर हुआ और भाई राम सिंह की देह एक स्पष्ट सत्य की तरह सामने नजर आने लगी, तो एक ने कहा, ठीक ही तो कहा था, सूरज चढ़ने से पहले मर गया ना। मर ही तो गया। फिर दूसरे ने कहा, भला पत्थर मारने की क्या जरूरत थी, मर तो उसे यूं भी जाना था, हम लोगों में धैर्य नहीं भाई। बस फिर क्या था, स्त्रियों ने अपने दुपट्टे गले में डाल दिए, आंसू बहने लगे, भक्त फिर इकट्ठे होने शुरू हो गए, जूते पत्थर हटा दिए गए और पुष्प वर्षा होने लगी और भाई राम सिंह का विसर्जित चोला फूलों के नीचे फिर दबने लगा और भाई राम सिंह की अर्थी ऐसी सजधज से निकली कि शहर वाले खुद अपनी श्रद्धा पर अश अश करने लगे। भाई राम सिंह की समाधि तपोवन के पास ऐन उसी जगह पर बनाई गई जहां वो आसन पर बैठे थे। ऐसी सफेद सुंदर चमकती इमारत है कि रात को भी दूर से नजर आती है और उस पर एक गोल गुंबज भी है,
संत जी की गागर वहां स्थापित है और सफेद नया बाना भी और एक जोड़ा खड़ाऊओं का भी जो किसी भक्त ने अपने पैसों से नया खरीद कर वहां रख दिया था। और हमारे देश के बच्चे बूढ़े सच्चे दिल से मानते हैं कि कोई औलिया इस कलयुग में हुआ है तो संत राम सिंह, जिसे भगवान ने एक दर्शन देकर सीधे अपने पास बुला लिया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की लिखी कहानी समाधि भाई राम सिंह। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सके। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।